हेलो हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और अभी और मॉर्निंग का टाइम, तो गुड मॉर्निंग। और मैं बना रही हूँ बच्चों का दूध। मैं सब्जी बना दिया, मैंने आलू गोभी की सब्जी बनाई है। आज है मंडे, 6 अप्रैल है आज, तो आज है मंडे। मेरा जो है फास्ट है आज मंडे का, तो बच्चों को दूंगी ब्रेड सेक के, मक्खन लगा के। जो मैंने कल मक्खन निकाला था वो नहीं, आज नहीं बना रही बेटा पास्ता आज। फास्ट कल तो बनाया था ना, शायद परसों बनाया था। हाँ, परसों मैंने पास्ता बनाया था। बच्चे फिर से जो है पास्ता मांगने लग जाते हैं, तो बस यहाँ पर मैं बच्चों का दूध बना रही हूँ, ब्रेड सेक के दूंगी उनको। और आलू गोभी की सब्जी बना दिए है, ये इसमें रखी है आलू गोभी की सब्जी बना दी है इनके लिए। मैं तो नहीं खाऊंगी, सब बच्चे खाएंगे, ये खाएंगे, तो इनके लिए मैं ब्रेड सेक देती हूँ मक्खन लगाकर। और नाश्ता कर लेंगे फिर ये लोग, और मैं मंदिर जाऊंगी पहले, उसके बाद जो है मैं चाय अपना चाय वगैरह पीऊंगी। तो मैं दे देती हूँ इनको नाश्ता। तो मेरा जो है नहाना धोना हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं बाल वॉश किए थे, उसके बाद सिर्फ सिंदूर लगाया और फेस पे भी कुछ नहीं लगाया है, तो बाद में लगाऊंगी, पहले इनको नाश्ता वगैरह दे देती हूँ। नहा लिया है, घर में जो क्लीनिंग का काम होता है मॉर्निंग का वो हो चुकी है, सिर्फ किचन बची हुई है। नाश्ता करके किचन को क्लीन करूंगी फिर, थोड़ा सा ये है, ज्यादा बर्तन वगैरह नहीं है वैसे। तो चलिए मैं देखती हूँ नाश्ता। तो यहाँ पर जो है मैं फ्राई करने जा रही हूँ अपने लिए मखाने, तो घी में फ्राई करूँगी। तो मैंने ये अलग से डब्बे में घी रखती हूँ पूजा के लिए या व्रत में खाने के लिए, तो इसमें से ही निकालती हूँ। और जो डेली का है उसमें से डेली यूज़ करती हूँ, वो मैंने अलग से घी रखा हुआ है। तो यहाँ पर जो है मैंने तवे पर घी डाल दिया है, 1 स्पून डाल दिया है, और मखाने निकाल लिए हैं थोड़े से, इनको फ्राई कर दूँगी। तो ये देखिए, इनको थोड़े से ही घी में फ्राई कर देते हैं और काफ़ी क्रिस्पी हो जाते हैं ये, बहुत ही अच्छे लगते हैं चाय के साथ। और अगर आपका फास्ट ना हो तो नमक डाल के भी खा सकते हैं, लेकिन मेरा फास्ट है तो मैं नमक नहीं डालूंगी इसमें। और बच्चे भी खा लेते हैं, तो मेरे बच्चों को बहुत पसंद है ये मखाने। और बस अभी जो है इनको मैं निकाल लूँगी, तो ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी हो जाते हैं, थोड़ी सी देर में फ्राई हो जाते हैं, और इनको खाने के बाद आपको जल्दी से जो है भूख भी नहीं लगती। तो बस यहाँ पर जो है मैं अपनी चाय, फ्रेंड्स यहाँ पे जो है मैं पी रही हूँ चाय, और ये मखाने हैं थोड़े से, बच्चे भी खा लेंगे, तो बच्चों के लिए मैंने फ्राई करे, मैं अकेले नहीं खाऊंगी इतने सारे, तो बच्चे भी खाते हैं, मेरे बेटे को बहुत पसंद नहीं है, तो उसके लिए भी मैंने फ्राई कर दिए हैं, वो भी खा लेंगे, तो आप लोग भी खा लीजिए, चाय पी लीजिए। तो बस यहाँ पर जो है मैं अपनी चाय पी लेती हूँ, और अब तक मैं तैयार नहीं, तैयार क्या होना है, बस घर में ही रहना है वैसे तो। और मैंने सूखा सिंदूर लगाया आज, मुझे लगाना नहीं आता लेकिन मैं ट्राई कर रही हूँ, कभी कभी लगा लेती हूँ अब बीज की मांग निकाल के, तो ये देखिए कभी कभी लगा लेती हूँ। तो चाय पी लेती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा जो है किचन को समेटूंगी, समेटने के बाद फिर जो है मैं थोड़ा सा तैयार होऊंगी, बस मैं पी लेती हूँ अपनी चाय, फिर मिलती हूँ आपसे। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि काम जो है मेरा सारा खत्म हो चुका है, दोपहर का लंच बनाऊंगी, और मेरा तो फास्ट है बच्चों के लिए और इनके लिए बनाऊंगी। तो मैं हो गई थी थोड़ा सा तैयार, और साड़ी पहनी है मैंने, तो दिखाती हूँ आपको। तो कैसी लग रही है? और इसका जो ब्लाउज है मेरे बहुत टाइट आ रहा है, मेरा मन करता है साड़ी पहनने का, लेकिन ब्लाउज की वजह से मैं नहीं पहन पाती हूँ साड़ी। एक दो ब्लाउज मैंने ऐसे सिलवाए हुए हैं जो सब साड़ी पे चल जाते हैं, तो बस यहाँ पर जो है मैंने अभी पिनअप नहीं किया इसको, अभी करूंगी। तो कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताना। साड़ी जो है पहनने का मन तो करता है, लेकिन जो है ब्लाउज वगैरह की वजह से और फिर घर के काम भी होते हैं, तो इसलिए नहीं पहन पाती हूँ, कभी कभी पहन लेती हूँ। आज फास्ट था तो आज पहन लिया है। और बस अभी जो है बच्चों का लंच बनाऊंगी, थोड़ा सा घर ठीक करूंगी, क्योंकि बच्चे घर में रहते हैं तो फैला देते हैं, तो घर ठीक करूंगी थोड़ा सा। तो बस यहाँ पर जो है, तो चलिए थोड़ा सा घर ठीक कर लेती हूँ। देखिए बेडशीट वगैरह कैसे कर दिए बच्चों ने, तो उसको ठीक कर लेती हूँ।
और ये आ गए हैं आशु, इनकी उंगली में दर्द हो रहा है, नीचे खेल रहे थे ना तो थोड़ी सी चोट लगी। दिखाओ ये देखिए, यहाँ पे थोड़ी सी चोट लगी है, रो रहा है ये। तो बस यहाँ पे जो है मैंने अपने बेटे को थोड़ी सी क्रीम लगा दी है, वैसे ज़्यादा नहीं लगी है उसको तो, लेकिन बच्चे हैं तो थोड़ी देर करते ही, और जब पढ़ाई करने को बोल दो तब तो ज़्यादा ही वो करते हैं, रोने लग जाते हैं कि चोट लगी है। तो मैंने उसको थोड़ी सी जो है क्रीम लगा दी थी फिंगर पे। तो बस यहाँ पर जो है मैंने अपनी बेडशीट ठीक कर दी है, और जो मैंने कपड़े निकाले थे सूट वगैरह, सो मॉर्निंग में सूट पहना था, तो वो सब तय करके लगा के रख दूँगी अलमारी में, काफ़ी देर से जो है फैले पड़े थे, तो मैंने सोचा कि लंच बनाने से पहले इनको रख देती हूँ, वरना फिर मुझे आलस आ जाएगा और फिर मैं नहीं कर पाऊँगी। तो इसलिए मैं जो है ये सारे कपड़े तय करके अलमारी में लगा दूँगी, और यहाँ पर जो है मेरा रूम ठीक हो जाएगा। और आज मैंने कपड़े वॉश नहीं किए हैं, तो बस ये कपड़े लगा दूँगी अलमारी में। और यहाँ पर मैं लंच बनाना स्टार्ट कर दिया, तो आटा नहीं लगाया था मैंने मॉर्निंग में जो है, क्योंकि बच्चों ने सैंडविच उनके लिए मैंने बना दी थी, और फिर ब्रेड वगैरह खा लेते तो आटा मैंने इसलिए नहीं लगाया था। गोभी की, आलू गोभी की सब्ज़ी बना दी थी, वैसे मॉर्निंग में ही बना दी थी वो तो मैंने, लेकिन आटा नहीं लगाया था। तो यहाँ पर जो है मैंने बर्तन वगैरह क्लीन करके रखे हुए हैं, अभी आप देख सकते हैं, और आटा लगा रही हूँ, बस रोटी सेकनी है, गोभी की सब्ज़ी रखी हुई है, और बच्चों के लिए थोड़ा सा फ्रूट काट दूँगी। तो आटा जो है मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है आटे को सेट होने में, तो इसलिए उसको रख दिया है मैंने रेस्ट पे, और थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। जब तक जो है मैं बच्चों के लिए फ्रूट काट देती हूँ, यहाँ पर आज फ्रूट में है ऑरेंज और बनाना है बस, और नहीं है कुछ, तो बस ये आज जो है यही दे दूँगी मैं बच्चों को। और दोपहर में बच्चों को फ्रूट ज़रूर देना चाहिए, खाना खाने के बाद दे दो, या फिर खाना खाने से पहले भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो है उन्होंने पहले जूस पी लिया था तो इसलिए नहीं दिया, अब खाना खाने के बाद जो है वो फ्रूट खा लेंगे, और रात को फ्रूट नहीं खाने चाहिए, तो इसलिए रात को मैं कभी फ्रूट नहीं देती हूँ उनको, दिन में दोपहर के टाइम में देती हूँ फ्रूट। यहाँ पर मैंने 2-3 ऑरेंज जो है छील दिए थे उनके लिए, और 2 बनाना कट कर दिए थे, और एक आध मैं भी ले लूँगी, तो इसमें से नहीं लूँगी क्योंकि बच्चे जो है काला नमक डालकर खाते हैं, चाट मसाला वगैरह डालकर खाते हैं, तो मैं इसमें से नहीं लूँगी, मैं अपना अलग से ही एक आध फ्रूट खा लूँगी, एक बनाना या फिर एक ऑरेंज ले लूँगी। तो बस यहाँ पर जो है मैंने फ्रूट काट दिया बच्चों के लिए, और आटा फिर से ठीक करने लगी हूँ, क्योंकि उसको थोड़ी देर रखना पड़ता है आटे को, तभी वो सेट होता है। और बस यहाँ पर अब मैं रोटी सेक दूँगी बच्चों के लिए, तो हो गया है मेरा आटा सेट हो गया है। और ये है मेरी आलू गोभी की सब्ज़ी, थोड़ी सी ही बनाई थी मैंने क्योंकि दाल चावल भी रखे हुए हैं थोड़े से। तो ये देखिए इनका मैंने लंच लगा दिया है बच्चों का, और इनका दाल चावल हैं थोड़े से, गोभी की सब्ज़ी है, फ्रूट हैं और रोटी है। तो बस अब ये लोग लंच कर लेंगे, और मैं अपना कुछ फ्रूट वगैरह ले लूँगी। तो ये चावल है गर्म कर दिए थे मैंने ये भी, और दाल भी गर्म कर दी थी, तो बस अब इनको मैं डाल कर दे देती हूँ खाना, तो ये सब खा लेंगे। और यहाँ पर जो है मैं आ गई हूँ, शाम को मिल रही हूँ बाप को, तो शाम को मैंने जो है खाना बनाने की तैयारी कर दी है शाम, और मैं बनाऊंगी कद्दू की सब्जी, सीताफल बोलते हैं हम तो, वैसे कुछ लोग कद्दू भी बोलते हैं, तो मैं तो मतलब हम लोग सीताफल बोलते हैं, तो वो ही बना रही हूँ। फास्ट है तो मैंने जल्दी बनाना स्टार्ट कर दिया था खाना, क्योंकि टाइम लगता है फिर खाना बनाने में। तो यहाँ पर जो है मैंने ऑयल गर्म हो गया था, मेथी डाल दी थी, मैं सीताफल को मेथी में बनाती हूँ, और लहसुन प्याज कुछ नहीं डालूँगी क्योंकि ये व्रत का खाना बन रहा है। और थोड़ी सी जो लाल मिर्ची होती है वो डाल दी है मैंने, सीताफल में काफ़ी अच्छी लगती है। मेथी डाल दी है, भुन गई थी तो अब डाल दिया उसमें टमाटर, एक टमाटर बड़ा सा कट कर लिया था मैंने, और हरी मिर्ची 3-4 डाल दी थी, और डाल दिया है नमक, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दिया है, और लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया है, और डाल दिया हल्दी पाउडर। तो बस यहाँ पर जो है मैं इनको मिक्स कर दूँगी, और लहसुन प्याज कुछ नहीं डालूँगी मैं इसमें, थोड़ा सा हींग भी डाल दिया है, और अब इसको भून लूँगी अच्छे से, पका लूँगी टमाटर सॉफ्ट होने तक, जब तक हमारे टमाटर गलेंगे जब तक पकाऊंगी, और थोड़ा सा 1-2 बूंद पानी डाल दिया है। तो बस अब ये जो है अपना हमारा जो मसाला है वो भुन जाएगा, उसके बाद इसमें मैं अपनी सीताफल डालूंगी। तो ये मैंने कट करके रखी हुई थी सीताफल, वो डाल दिया, और छिलका मैं थोड़ा थोड़ा रखती हूँ इसमें, पूरा तरह से नहीं उतारती हूँ, तो किसी किसी में एक आध में रख देती हूँ,
छिलका जो सीताफल का होता है काफ़ी अच्छा लगता है, टेस्ट आता है उसमें। आप भी ऐसे ही जो है बना सकते हैं। तो ये देखिए, अब मैं दिखाती हूँ आपको सीताफल की सब्ज़ी। काफ़ी टाइम लगाता है इसको बनने में, कढ़ाई में टाइम लगता है, कुकर में वैसे जल्दी बन जाते हैं, लेकिन जो टेस्ट कढ़ाई में आता है खाना या सब्ज़ी बनाने का, वो कुकर में नहीं आता है। तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगाता है इसमें में, बट सीताफल की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो यहाँ पर अब मैं इसको मैश कर रही हूँ, तो बहुत ही जल्दी मैश हो जाती है। आप इससे भी मैश कर सकते हैं या फिर मैशर से भी कर सकते हैं मैश। तो यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ी सी शुगर डाल दी है, क्योंकि खट्टा मीठा कद्दू जो है अच्छा लगता है। तो सबसे लास्ट में जो है मैं इसको डालती हूँ। तो बस यहाँ पर जो है मैंने मैश कर दिया इसको अच्छे से। सीताफल की सब्ज़ी बनकर रेडी हो गई है, और धनिया भी डाल दिया है, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट इसका जो है आ गया है। तो ये हो गई हमारी सीताफल की सब्ज़ी रेडी। तो ये देखिए, ऑयल बहुत ही कम डाला था और मैंने इसमें। तो अब जो है मैंने सेम कढ़ाई को अच्छे से साफ कर लिया है और उसको बाउल में कर दिया सीताफल की सब्जी को। तो अब इसमें मैं बनाने जा रही हूँ हलवा बेसन का। तो 2 स्पून मैंने इसमें बेसन डाला है और 2 स्पून मैंने आटा डाला है। तो इन दोनों को मिक्स करके हलवा बनाऊंगी मैं। बहुत ही टेस्टी हलवा बनता है, बेसन का हो गया या फिर आटे का। मुझे सूजी का हलवा इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, जितना बेसन का या फिर आटे का हलवा अच्छा लगता है। यहाँ पर मैं उसको घी में भून लूँगी। पहले घी डाल दिया था, 2 बड़े चम्मच घी डाल दिया था, उसके बाद बेसन 2 चम्मच और 2 चम्मच डाल दिया था मैंने आटा। आटा 2 चम्मच से कम ही डाला था, क्योंकि फिर बेसन का कम टेस्ट आता है, तो इसलिए। और इनको अच्छे से भून लूँगी। तो ये देखिए, घी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है मैंने, बेसन ने घी छोड़ना स्टार्ट कर दिया और अच्छे से भून भी गया है। तो थोड़ा सा और जो है इसको भून लूँगी, हल्का सा लाल सा। तो बस यहाँ पर जो है भुनने के बाद मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दिए थे, और ये भी थोड़ा सा फ्राई हो जाएंगे इसमें, और डाल दिए चीनी डाल दिया मैंने इसमें, शुगर डाल दी है टेस्ट के अकॉर्डिंग। और बस अभी जो है इसमें मैं डालूंगी पानी, और पानी को मैंने पका लिया था टी मेकर में, गर्म कर लिया था पानी को, और थोड़ा थोड़ा इसमें डाल दूंगी पानी, एकदम से नहीं डालूंगी सारा, क्योंकि छींटे लगते हैं फिर। तो थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ इसलिए मैं पानी को, तो बस इसको चलाती जाऊंगी। और साथ साथ में बस ये डाल दिया है मैंने पानी, और अब इसको अच्छे से खूब अच्छे से मिलाना है, इसको छोड़ना नहीं है ऐसे, वरना इसमें जो है गुठलियाँ पड़ जाएंगी। तो इसको मैं चलाती रहूँगी, कंटिन्यू चलाया मैंने इसको, और 2-3-4 मिनट में जो है बस ये पानी इसका सूख गया था बिल्कुल, क्योंकि बेसन और आटा जो है पानी को सोख लेता है, तो सूख गया था। 4 मिनट भी मुश्किल से नहीं लगी थी इसको चलाते चलाते। तो बस यहाँ पर जो है हमारा हलवा रेडी हो गया है, और उसमें ऊपर से भी मैं थोड़ा सा घी डाल देती हूँ, तो बस और भी ज़्यादा इसका जो है टेस्ट बढ़ जाता है। और हलवा वाकई में ही बहुत ही टेस्टी बना था। तो बस घी भी मैंने इसमें अच्छे से मिक्स कर दिया है, और अब देख सकते हैं आप कितना टेस्टी हलवा बनाया। तो यहाँ पर मैंने स्टार्ट कर दिया फिर पूरी बनानी, उसी कढ़ाई में साफ़ करके उसको अच्छे से। तो पूरी बनानी स्टार्ट कर दिया, सबसे पहले भगवान जी को भोग लगाऊंगी। तो ये देखिए, मैंने भगवान जी की जो है थाली लगाई है, इसमें सीताफल की सब्जी बिना प्याज लहसुन की, और है पूरी हलवा ले लिया है। तो बस अब मैं भगवान जी को भोग लगा दूँगी, उसके बाद फिर मैं इनको बच्चों को दूँगी। तो बस भगवान जी को भोग लगाने के बाद मैं पूरियाँ बनानी स्टार्ट और पूरियाँ बनाने लगी थी, मतलब क्योंकि वो जब मैंने 2 ही बनाई थी और फिर पूजा वगैरह कर ली थी। तो अब मैं इनको खाना दूंगी, बच्चों को दूंगी, तो उसके लिए बस मैं फटाफट पूरी बना रही हूँ, क्योंकि बच्चों को भूख लगी, और ऐसी चीज़ देखकर बच्चों को वैसे भी जल्दी ही भूख लग जाती है। तो बस यहाँ पर हो गया हमारा डिनर रेडी, हलवा ले लिया है, सीताफल की सब्जी और पूरी ले ली है, और बस अभी जो है आप लोग भी कर लीजिए। यहाँ पर जो हमारा डिनर है टेस्टी टेस्टी सा, तो बस यहाँ पर जो है अब हम कर लेते हैं। तो अभी जो है हमारा हो गया है सोने का टाइम, और खाना वाना सब हो चुका है मैंने खाने में। तो ये देखिए, ये आ गए हैं लोग फ्रेंड्स करने, लड़ाई कर रहे हैं दोनों। तो खाना हो चुका है हमारा, जो रात का खाना होता है डिनर, सब हो चुका है। सीताफल की सब्जी बनाई थी, पूरी और हलवा बनाया था, फास्ट था आज मेरा। तो बस अभी जो है हम लोगों ने बिस्तर पे आ गए हम लोग सोने के लिए, टीवी बंद कर दिया, टीवी देख रहे थे बच्चे काफी देर से। तो बस अभी जो है सोई है हम लोग, और इनकी लड़ाई हो रही है दोनों की, कि मैं सोऊंगा मम्मी के पास। तो ये देखिए, तो चलिए कर देते हैं हम बाय बाय, गुड नाइट। तो मिलते हैं, गुड नाइट बोल दो, गुड नाइट।
तो चलिए कर देते हैं यहीं पे इस वीडियो का एंड, फिर मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट।